हेलो गाइज, मैं हूँ प्रियांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइज, आज मैं आ गया हूँ यार झरिया की, मतलब जो जिस नाम से झरिया पूरा पूरा वर्ल्ड में फेमस है यार, पूरा वर्ल्ड में मैं बता रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। मतलब ये वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का पूरा कोलियरी वगैरह। तो पूरा यहाँ का सिस्टम अलग है यार। यहाँ पे मतलब आपको आने से ही अलग फील आने लगेगा, पूरा गर्मी लगने लगेगा आपको। हर जगह पहाड़ से आग दिखेगा, क्योंकि यार नीचे में पूरा आग लगा हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी गंदा स्मेल भी आएगा, मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहता है यहाँ पर, और स्मोक वगैरह भी पूरा भरा होगा गाइस यहाँ का एटमोसफेयर में। क्योंकि यहाँ पे यार क्या है कि यहाँ पे पूरा कोल माइंस है और ओपन कास्ट कोल माइनिंग होता है गाइस यहाँ पे। तो अभी माइंस के अंदर तो गाइस अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि यार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पर तो देख सकते हो आप लोग, पूरा बैरिकेडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। यहाँ पर रोड भी ब्रॉड हो रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो माइंस का जो ट्रक्स वगैरह हैं, देख सकते हो ट्रक्स वगैरह में कम्युनिकेशन में ज़्यादा ईजी हो जाए। आगे का गाइस रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है यहाँ पे, इससे थोड़ा देख सकते हो ऑफ रोडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे यार कितना भी ट्रक्स वगैरह चलते हैं ना, तो उसके कारण यहाँ पे रोड भी जो है बनता भी है, तो वो अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्योंकि यार रोड काफ़ी यहाँ पे सिस्टम ख़राब है यहाँ का रोड का। और यहाँ पर देख लो माइंस का स्टार्ट हो चुका है गाइस। ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, फॉर्मेशन खुद से नहीं हुआ है। यहाँ पे धीरे 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 ट्रक बाय ट्रक करके जो नीचे का जो गड्ढा निकाला जाता है, गड्ढा खोद के कोयला निकाला जाता है। तो सारा कोल, सारा पहले जो भी जितना मटेरियल है सबको इधर रखा जाता है, ताकि यार नीचे आप लोगों को अच्छा एक्सेसिबल मिल पाए, वहाँ पे जाके आप लोग आराम से मतलब कोयला को निकाल पाओ। तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, पूरा लोकेशन में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर से ही मतलब कोल माइनिंग का पूरा स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो पूरा रोड में आपको डस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सब मतलब ये सब जो छोटा छोटा रोड बना होगा यहाँ पे, छोटा में मतलब लोकल में लोग रहते हैं जो कोयला मतलब यहाँ से अंदर से निकालते हैं और उसको बेचने के लिए जाते हैं, जो कि इलीगल है। लेकिन यार अपना पेट चलाने के लिए कोई क्या ना करे, इसलिए देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पूरा मतलब पेड़ पौधे तो हैं यार, लेकिन मतलब पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे पेड़ टिकता ही नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे देखो, अभी कोई भी गाड़ी ऐसा पार होगा ना, तो इतना ज़्यादा डस्ट उड़ जाता है कि पेड़ के ऊपर पूरा, हर एक पत्ते के ऊपर पूरा डस्ट आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी पूरा अभी एक ब्रिज बन रहा है, क्योंकि नीचे में यहाँ पर से पानी का पास होता है। और ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला मतलब ट्रक इतना ज़्यादा हैवी लोडेड रहते हैं कि ये वाला ब्रिज में क्रॉस ही नहीं कर पाते यार। ये वाला ब्रिज जो है गाइस, ये वाला ब्रिज को ट्रक क्रॉस ही नहीं कर पाते लेकर, इसलिए एक हैवी ब्रिज बन रहा है। और यहाँ पर जस्ट हम लोग मेन एंट्रेंस के पास पहुँचने वाले हैं। देखो ये ब्रिज जो है कंस्ट्रक्शन इसका टूट रहा है, और वो एक हैवी ब्रिज बन रहा है, ताकि कोई भी कितना भी ओवरलोडेड ट्रक हो वो लोग आराम से निकल जाए। क्योंकि यार काफ़ी मतलब यहाँ पर से आप समझ लो कि इस मतलब इंडिया में तो यार समझ लो झरिया से ही सारा कोल जो है सप्लाई होता है, जो कि यार सबसे बड़ा कोल का बेस यही है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यहाँ पे देख लो यार, ज़्यादा ही ट्रक, पूरा ट्रक का लाइन आने लगा है। क्योंकि यार यहाँ पे जितना भी मतलब हर जगह से ट्रक आते हैं और आपको मतलब ले के जाएंगे, अगर आपको कोल का नीड है या कोई फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ भी आप जैसे ट्रेन वगैरह इनसे क्रॉस करते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि कितना सारा फैक्ट्री वगैरह रहता है। तो यहाँ पे चेक करो गाइस, ये वाला देखो इतना बड़ा एंग्रेविंग मशीन है यार। यहाँ इसमें से पूरा कोयला निकलता है, ये अंदर माइंस के अंदर जाता है गाइस, तो कोयला निकलता है। तो अभी तो यहाँ पे रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं। भाई कितना बड़ा हैवी इंजन है इसका, कितना ज़ोर से आवाज़ कर रहा है गाइस ये वाला मशीन। देखो इसमें टायर नहीं होता, इसमें चेन सिस्टम होता है, पूरा चेन से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे कोयला वगैरह का काम चलता है। चलो गाइस एक बार अंकल से पूछते हैं, एक बार अंदर जा सकते हैं। अंकल अंदर जा सकते हैं? अंदर जाना मना है क्या? यहाँ एक बार जा सकते हैं और अंदर नहीं, इधर जा सकते हैं एक बार आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइन दिखता है? माइन यहाँ से दिखता है? माइंस दिखता है? माइंस तो चलो गाइस, यहाँ पे परमिशन तो ऐसा कोई लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो चलते एक बार देखते हैं, यहाँ पर से माइंस अगर दिखता होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे पूरा सीन ही अलग है गाइस, यहाँ पे पूरा ट्रक का लाइन बाय लाइन लगा हुआ है, पूरा हर लोग मतलब यहाँ पे काम में आए हुए हैं। देख लो यार ट्रक जितना भी है, पूरा माइन का यहाँ पे सिस्टम हो रहा है। माइंस तो गाइस यहाँ से दिखता नहीं है शायद, पर अगर दिख जाए तो मैं आपको काफ़ी दूर से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार माइन जो है वो थोड़ा रिस्की होता है सिचुएशन जाना उधर। और यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा मतलब ये एकदम नया ब्रांड न्यू अभी मशीन जा रहा है, हो सकता है माइंस के अंदर ही, क्योंकि यार कोयला वगैरह निकालने के लिए। और ये वाला जो क्रेन होता है गाइस, ये जैसे कोई अगर मान लो कोई ट्रक वगैरह फंस जाए, क्योंकि यार ऑफ रोडिंग होता है, बैठो
क्योंकि यार ऑफ रोडिंग होता है, और ऑफ रोडिंग के अंदर क्या है कि कोयला वगैरह निकालते निकालते कोई ट्रक फंस जाता है लोडेड होने के कारण, तो ये सब मशीन उसको हेल्प करते हैं निकालने के लिए, या कोई बड़ा पत्थर वगैरह अटक गया तो उसको भी हेल्प करते हैं निकालने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा माइंस दिख रहा है गाइस, मैं आपको माइंस दिखा देता हूँ एक बार के लिए। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर से पूरा ह्यूज दिख रहा है, और ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं यार, क्योंकि मतलब इधर जाना भी सेफ नहीं है। जिधर से दिख रहा होगा मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट दिखाने वाला हूँ। ये चेक करो गाइस, पूरा माइंस भरा पड़ा इधर, ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं यार, पूरा उधर तक अंदर देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पानी पूरा है, पूरा पानी भरा हुआ गाइस उस साइड देख लो, पूरा उधर पानी भरा हुआ, और यहाँ पर से मतलब अंदर में जाके पूरा कोयला निकाला जाता है। ट्रक एकदम छोटे छोटे ट्रक दिख रहे हैं यार वहाँ पे, तो इधर सेफ तो है नहीं यार लेकिन, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा फील होगा, यहाँ पे सांस लेने में भी यार थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं गाइस, माइंस मैंने आपको दिखाई दिया, यह पूरा झरिया का स्टोरी समझ लो भाई। BMW लेकर हम लोग इधर घूम रहे हैं माइंस के अंदर, यहाँ पे मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई BMW आई होगी कोयला माइंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यार अपनी बाइक ही सबसे फर्स्ट है, तो ये भी एक हमने रिकॉर्ड बना दिया यार। नहीं नहीं उधर जाना ही नहीं यार, सेफ नहीं है इधर, हाँ पूरा स्मेल आ रहा है। तो गाइस कोयला का माइंस मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कैसे ये होता है। कभी यार एक मतलब एक कुछ जान पहचान वाले भैया भी है मेरे साथ, तो कभी उनके साथ मैं आपके साथ जा के दिखाऊंगा यार कैसे माइंस वगैरह होता है। एक मेरे नॉन भैया वो भी यूट्यूबर ही हैं, तो उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मुझे लेके जाते हैं तो माइंस के अंदर, क्योंकि वो एक इंजीनियर है और माइन में ही काम करते। सामने में भी उधर भी गाइस माइंस ही है, पर ज़्यादा हम लोग को जाना नहीं है यार, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक को लेकर हम लोग माइंस के अंदर जा नहीं सकते, ऑफ रोडिंग वहाँ पर होगा नहीं अच्छा से। तो अभी ऐसे ही सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इधर से क्रॉस कर रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी डस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ का गर्मी भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इस माइंस के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा। चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।